नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सीखो सिखाओ चैनल पे। मैं हूँ तुलसी मातो और आज का जो मेरा वीडियो है और आज का जो मेरा टूल है वो है हिस्ट्री ब्रश टूल। ओके, तो जिसका शॉर्टकट है वाई। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ये जो हिस्ट्री ब्रश टूल है इसे किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो पे आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अभी तक से जो है अगर आपने मेरा जो चैनल है अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा यही है कि जब कभी मैं यूट्यूब पर नए वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसकी ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगी, और एक बार आपके पास ईमेल नोटिफिकेशन आ गई तो आप जब चाहे उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो पे आते हैं। हिस्ट्री ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए साइज हार्डनेस, आप हार्डनेस कितनी रखना चाहते हैं ये अपने हिसाब से और इसे कम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पैनल है, ये ब्रश का पैनल आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ से मोड दिया हुआ है और यहाँ से आप ऑपेसिटी और फ्लो का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ एयर ब्रश, इन सब के बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया हुआ है, और मैं जैसा कि आप लोगों को बताया था कि ये जो मोड है आप यहाँ से यूज़ कीजिएगा लेयर से, तो घबराने की बात नहीं है। आज मैं बताऊँगा आप यहाँ से भी उसे जो है यूज़ कर सकते हैं और आपके पास पूरी कंट्रोल होगी। खैर ये लेयर के जितना तो कंट्रोल नहीं होगी लेकिन फिर भी इस पर जो है आप थोड़ी बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं और कोई फ़ोटो जो है ओपन मैं कर लेता हूँ यहाँ से। ये जो फोटो है मैंने गूगल से डाउनलोड की है, तो जिनकी फ़ोटो है क्रेडिट उन्हीं को जाता है। ओके, अब जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो ये है, ब्रश टूल से मैंने कुछ काम कर रहा हूँ। ये देखिए ब्रश टूल से मैं यहाँ पे मैंने जो ये है ब्रश टूल लिया और यहाँ पे कुछ इस तरह से कर रहा हूँ। ओके ठीक है, तो अब देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए इस तरह से कुछ। अब आपको क्या करना है कि इनका जो फेस है, मान के चलिए इनके फेस पे मैंने सबसे शुरू में डाला हुआ था। अब मैं अगर अंडू करूं, आपको ये बॉर्डर जो है पसंद है, ये बॉर्डर ठीक है गुड है, अब आपको सिर्फ इनका जो फेस है वो क्लीन चाहिए, तो आप अगर अंडू करके जाएं कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जेड, तो ये देखिए सारी की सारी गायब हो गई है और उसके बाद ही इनका फेस गायब हो रहा है, रिकवर हो रहा है। तो आपको फिर से जो है बनाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपका हिस्ट्री ब्रश यहाँ से सिलेक्ट है और बस आपको क्या करना है यहाँ पे आइए और ये देखिए है ना कमाल की ब्रश। तो ये है हिस्ट्री ब्रश। ओके, आप चाहें जितना भी चाहें आप उतना यहाँ से शो करवा सकते हैं। तो ये तो था ब्रश टूल से, अब चाहें तो इसे अलग अलग लेयर पे भी काम कर सकते हैं। कंट्रोल जे से मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल जे कंट्रोल जे कंट्रोल जे, मैंने बहुत सारा कॉपी किया हुआ। ये देखिए, ये देखिए अगैन अगैन और अगैन। चलिए मान के चलिए कि आपने अंडू किया हुआ है और अंडू आप कितना तक कर सकते हैं ये सबसे पहले बड़ी बात है कि मैं इसे अंडू तो कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जेड। ये देखिए एक दो तीन, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को पता नहीं कि अंडू आप फोटोशॉप पे कितना कर सकते हैं, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले एडिट पे आइए और यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस है, उसके बाद यहाँ पर देखिए परफॉर्मेंस, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए हिस्ट्री स्टेटस। ओके, यहाँ पर आप जितना टाइप कीजिएगा, यहाँ लास्ट 1000 तक दिया हुआ है 1000, तो 1000 तक आप अंडू कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हो सकता है आपका 50 हो, मैंने इसे जो है 20 तक रखा हुआ है, आप जितना भी रख सकते हैं। आपको बताने के लिए मैं इसे जो है इस बार 10 लेता हूँ ब्रश टूल से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके 11, मैंने 11 लिया हुआ है, तो हमारे पास एक बचनी चाहिए, तो ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हमने वहां पे जो है 10 सेलेक्ट किया हुआ था, 10 में से 9 ही जो है अंडू करेगी, 1 आपको रहने देगी क्योंकि एक तो रहेगा ही ना, हमने 11 लिया हुआ था इसलिए हमें यहाँ पे। तो चलिए 1 2 3 10 11 11 हमने लिया हुआ है, तो देखिए ये जो अंडू करेगी वो 9 तक करेगी क्योंकि दसवा जो 10 होगा वो तो हमें दिखाई देगा। तो चलिए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जेड, हमारे पास दो बचनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 तक किया हुआ है, 10 हमारा ये है और 11 ये है। तो इस तरह से जो आप अंडू कर सकते हैं। ओके, आप चाहें तो एडिट पे जाके प्रेफरेंस और परफॉर्मेंस और इसे आप 10 के जगह 50 100 आपको जितना रख सकते हैं आप अपना
रख के ओके कर दीजिए, तो उतना बार आप अंडू कर सकते हैं। ओके, ये ब्रश टूल। अब यहाँ पे आइए विंडो पे, यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शंस आएगा हिस्ट्री, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से एक पैनल आ जाएगी। इस फोटो को मैं क्लोज कर देता हूँ। तो हिस्ट्री ब्रश, ये जो हिस्ट्री का पैनल है यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है। तो जैसे मैं एक कोई फोटो जो है ओपन करता हूँ, ये देखिए ये कोई साइट है, यहाँ से मैंने इनकी फ़ोटो जो है डाउनलोड की है, तो जिनकी फ़ोटो है क्रेडिट उन्हीं को जाता है। ये देखिए, तो यहाँ पे जैसे मैंने फ़ोटो ओपन किया तो यहाँ पे देखिए एक स्नैपशॉट आ गई है, और एक मैंने ओपन किया यहाँ पे ओपन किया। अब मैं कुछ भी वर्क करूँ यहाँ पे रिकॉर्ड होती जाती है, हिस्ट्री आ जाती है। ये देखिए मैंने 1 क्लिक किया, हिस्ट्री वर्स आ गई है। ब्रश टूल लेके, तो ये देखिए ब्रश टूल, अगेन ब्रश टूल, अगेन ब्रश टूल। तो ये कितनी बार तक जाएगी, जितना आपने यहाँ पे जो है सेट किया हुआ है, मैंने 20 सेट किया हुआ है, तो ये 20 तक जाएगी। ये तो ब्रश टूल है, यहाँ पे ब्रश टूल आ रहा है। और अगर आप, मैं आपको कोई पेंसिल लेके दिखाता हूँ, अब देखिए पेंसिल 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 पेंसिल, ठीक है पेंसिल पेंसिल, तो यहाँ पे देखिएगा अब हट जाएगी, क्योंकि 20 तक ही इसके पास जो है हिस्ट्री रहने के लिए कैपेसिटी है, क्योंकि हमने इसे कहा कि आपके पास 20 ही होगा। ये देखिए पीछे हटती जा रही है, ये देखिए सारे के सारे जो ब्रशेस हैं वो गायब हो गई है, सिर्फ पेंसिल है। अब मैं अगर अंडू करूं तो ये देखिए अंडू तो हो रही है, लेकिन कहाँ तक जाएगी, यहीं तक। अब मैं इसे जो है नहीं हटा सकता। ओके, तो इसके लिए अगर आपके पास ब्रश टूल आपका सेलेक्ट हो तो आप इसे भी जो है हटा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये है हिस्ट्री ब्रश टूल। ओके, तो चलिए अब मैं सारे को यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ देखिए डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट अगेन डिलीट। तो हमारे पास मान के चलिए कि ये फोटो हमने अभी ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे इसकी एक जो है स्नैपशॉट आ जाती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ वर्क कर लेता हूँ, देखिए फिर चाहूँ तो यहाँ से एक स्नैपशॉट लेके रख लूँगा। तो अब देखिए ये मेरी ओरिजिनल फोटो है, अब मैं इस पे आता हूँ, ये देखिए ये मेरी ओरिजिनल फोटो है, इस पे कुछ मैंने वर्क नहीं किया हुआ है। और इसके स्नैपशॉट जो है ये देखिए, मैंने यहाँ पे टी लिखा हुआ था, इस पे मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है। फिर से मैं अगर इस पे कुछ लिखूँ इस तरह से, ये देखिए मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से कर दूँ, अगेन मैं अगर स्नैपशॉट लेना चाहूँ तो ये देखिए हमारे पास फिर से स्नैपशॉट है। ये देखिए हमारी ओरिजिनल फ़ोटो, ये मैंने टी लिखा हुआ था और इस पे जो है एस लिखा हुआ था स्नैपशॉट पे। मैं ओरिजिनल पे जाता हूँ, अब ये ओरिजिनल पे मेरा जब चेक है तो अब मैं इसे जिस तरह से चाहूँ यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, वो जैसे मेरा ओरिजिनल पे देखिए ये मेरा ब्रश जो है सिलेक्ट है। अब मैं हिस्ट्री ब्रश लेता हूँ और इसे देखिए इस तरह से रिमूव कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपका ये ब्रश सिलेक्ट है, ये देखिए, तो इस पे जो है मैं इसे नहीं हटा सकता। क्यों नहीं हटा सकता, अगर आप ओरिजिनल फोटो पे हैं, क्योंकि इसकी स्नैपशॉट है, इसे आप नहीं हटा सकते हैं यहाँ से स्नैपशॉट। मान के चलिए कि आपने, आपके पास एक फ़ोटो है, ये देखिए एक फ़ोटो। अब आपने क्या किया हुआ, एक फ़ोटो को यहाँ पे रखी, ये देखिए, और दूसरी फ़ोटो पे आपने ये टी लिख के यहाँ पे रख दिया हुआ, ठीक है, और उसकी एक स्नैपशॉट आपने अपने मोबाइल से उसकी जो है एक फ़ोटो ले ली है, तो अब उसे तो मिटा नहीं सकते। सेम चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे ओरिजिनल फ़ोटो ये तो है, ठीक है, और यहाँ पे इसके स्नैपशॉट जो है हमने ली हुई है, तो इसे आप नहीं मिटा सकते हैं। फिर हम लोग ओरिजिनल पे रहेंगे, और अगर मैं यहाँ पे कुछ काम करूँ, कुछ वर्क करूँ, तो अब जो है आप ब्रश टूल इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ओके, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे स्नैपशॉट है, यहाँ पे आते हैं, तो ये जो फ़ोटो है इसकी एक न्यू विंडो पे ओपन हो जाएगी। ये देखिए न्यू विंडो पे डुप्लीकेट पे ओपन हो जाती है, इसकी न्यू विंडो ओपन हो जाती है यहाँ से। फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए बैक जाना था, बैक जा सकते हैं, ये देखिए इस तरह से बैकवर्ड फॉरवर्ड। अब यहाँ पे न्यू स्नैपशॉट दिया हुआ है, हम लोग यहाँ से भी स्नैपशॉट ले रहे थे, यहाँ से वो चीज़ है, डिलीट कर सकते हैं आप यहाँ से। क्लियर हिस्ट्री, यहाँ पे जितने सारे हैं सारे को क्लियर करने के लिए क्लियर हिस्ट्री भी कर सकते हैं, तो हिस्ट्री जो है क्लियर हो जाती है। आप स्नैपशॉट को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिर न्यू डॉक्यूमेंट, इसकी एक न्यू, अभी हम लोग ने यहाँ से देखा एक न्यू विंडो पे ओपन हो जाती है, तो सेम चीज़ है यहाँ से एक न्यू विंडो पे ओपन हो जाएगी।
अब यहाँ पे देखिए हिस्ट्री ऑप्शंस दिया हुआ है, इसके बारे जानते हैं। अगर आपका ये देखिए ऑन है, ऑटोमेटिकली क्रिएट फर्स्ट स्नैपशॉट, ये चेक है, ये करते हैं। तो आप जब भी कोई फोटो जो है ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है इसकी एक स्नैपशॉट ले लेगी, ये अगर आपका चेक है तो। अगर आपने इसे अनचेक करके रखा हुआ है और आप कोई फोटो जो है ओपन करते हैं तो आप देखिए इस पे जो है स्नैपशॉट नहीं है। स्नैपशॉट अगर आपकी नहीं है और अगर आप ब्रश से देखिए कुछ काम कर रहे हैं, फिर आप हिस्ट्री ब्रश टूल लेते हैं, तो अब आप देखिए काम इस पे आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको स्नैपशॉट चाहिए। और उस पे आप देखिए ये तो नहीं हटेगी क्योंकि यही स्नैपशॉट है। अब मैं फिर से यहाँ पे करूँ और हिस्ट्री ब्रश टूल ले लूँ तो अब ये काम करेगी, ये देखिए यहाँ पे काम नहीं कर रही है, यहाँ पे काम कर रही है। आई होप कि यहाँ पे ये देखिए आपका चेक होना चाहिए, ये यहाँ पे ये देखिए। तो इस तरह से जो है आप यूज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए और एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऑटोमेटिकली क्रिएट न्यू स्नैपशॉट व्हेन सेविंग। अगर ये आपका चेक है तो जब हम लोग सेव करेंगे तो यहाँ पे एक स्नैपशॉट आ जाएगी। जैसे मैं कंट्रोल एस करूँ, ठीक है, ओके करूँ, तो यहाँ पे देखिए एक ऑटोमेटिकली जो है क्रिएट कर देती है स्नैपशॉट। तो ये चीज़ है। यहाँ पे देखिए अलाउ नॉन लीनियर हिस्ट्री, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। चलिए अनचेक पे पहले हम लोग देखते हैं। मान के चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, मैं ब्रश टूल लेता हूँ, यहाँ पे देखिए कुछ काम कर रहे हैं इस तरह से। ओके, और अगर मैं शुरू पे चल जाऊँ, यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये देखिए सारे ऑप्शन हट जाते हैं। यहाँ पे तो हैं लेकिन सारे ऑप्शन हट जाते हैं। ये मेरी पहली जो हमने अभी लाइन जो दी थी ये पहली वाली है। अब फिर से मैं अगर यहाँ पे दूँ तो आप देखिएगा पुरानी मेरी जितनी हिस्ट्री है वो गायब, सारी हिस्ट्री गायब हो गई है। अगर आपको चाहिए था कि नहीं या इसके बाद यहाँ से मुझे चाहिए था तो अब तो नहीं आ सकती है ना। तो अगर आपका ये जो है चेक है तो अब देखिए कि क्या होता है। अब मैं यहाँ पे चल जाऊँ ये शुरू पे, तो ये देखिए फिर से मैं इस तरह से करूँ तो मेरी सारी की सारी हिस्ट्री अभी अवेलेबल ही है। अब इस पे जाइए तो देखिए आ जा रही है, फिर इस पे जाइए तो भी आ जा रही है, इस पे जाइए तो भी आ जा रही है। तो इस तरह से जो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए शो न्यू स्नैपशॉट डायलॉग बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे हम लोग जैसे क्लिक कर रहे हैं तो एक देखिए स्नैपशॉट आ जा रही है, लेकिन अगर आपका यहाँ पे चेक है तो यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगी और इस पे आप उसका जो नाम डाल सकते हैं, यहाँ पे कुछ नाम लिख के ओके कर सकते हैं स्नैपशॉट का। अब जो मैं आप लोगों को बताऊंगा उसके लिए मुझे और एक इमेज चाहिए, तो मैं ऐसे ओपन कर लेता हूँ, ऐसे ड्रैग करके लाते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर दिया मैंने। आप ड्रैग करके भी देखिए इस तरह से ड्रैग करके अभी आप जो है यहाँ पे फोटो ला सकते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ से मैं ऑफ ऑन कर रहा हूँ तो ये हिस्ट्री पे, यहाँ पे देखिए हिस्ट्री पे रिकॉर्ड नहीं कर रही है, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि नहीं ये भी रिकॉर्ड होना चाहिए तो आप इसे जो है एक बार चेक कर दीजिए, तो अब देखिए इसे भी जो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही है। ओके, तो ये है, इसे मैं विजिबल करता हूँ और ये देखिए मैंने जो है इसे यहाँ से इस तरह से जो है छोटा कर दिया, तो यहाँ से देखिए वो भी रिकॉर्ड है। यहाँ पे मैं इस पे जाऊँ तो ये बड़ी हो जाती है, मैं इस पे जाऊँ तो छोटी हो जाती है। आप देखिए अगर आप इरेजर टूल का भी इस्तेमाल इस तरह से किए हुए हैं, ये देखिए इस तरह से, तो आप हिस्ट्री ब्रश टूल से उसे रिकवर कर सकते हैं। ये देखिए मैं इस पर डबल क्लिक करके दिखाता हूँ, ये मैंने इरेजर टूल लिया, यहाँ से देखिए इरेज किया हुआ है। आप चाहें तो हिस्ट्री ब्रश लीजिए और इसे रिकवर इस तरह से देखिए आप कर सकते हैं। आप कोई भी टूल यूज़ कर रहे हो आप हिस्ट्री ब्रश उस पर जो है यूज़ कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि ये जो है आपका पहला स्नैपशॉट टूल पे चेक हो, अगर ये यहाँ पे चेक है तो यहीं से ये रिकवर करेगी, आपका यहाँ पे चेक हो तो यहाँ से ये रिकवर करेगी, आपका यहाँ से है तो यहाँ से रिकवर करेगी। ये देखिए अब जो है मैं इसे रिकवर नहीं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इस पे चेक नहीं है, ओरिजिनल जो फोटो है उसी के आधार पे ये काम करती है। ओके, तो दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक। और आज जो मैंने आप लोगों को हिस्ट्री ब्रश टूल के बारे में बताया, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे
कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं। और आपको लगे कि मेरे वीडियो से